फिर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने साथियों से कहना चाहेंगे जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एवं बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे सभी वीडियो समय समय पर आपको उपलब्ध होते रहें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं भूकंप तथा ज्वालामुखी। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के स्थल मंडल में अचानक उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के कारण जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है भूकंप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। ठीक है, उसे भूकंप कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के स्थल मंडल में अचानक क्या होता है? अचानक उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है के कारण जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उन्हें भूकंप कहा जाता है। ठीक है, अब वो स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्थल मंडल में यह जो भूपरपटी होती है आपकी, भूपरपटी की औसत मोटाई हमने बताया था 34 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? औसत मोटाई, औसत मोटाई है ना। पिछले वाले सब इसी के पिछला वाला भाग है उसमें बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। ठीक है, औसत मोटाई इसकी कितनी होती है? 34 किलोमीटर। इसके बाद मेंटल आता है। ठीक है, मेंटल की जो आपकी मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी बेटा? 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसी के ऊपर 400 किलोमीटर मेंटल में 400 किलोमीटर के रेंज में क्या है भैया? 400 किलोमीटर के रेंज में दुर्बलता मंडल पाया जाता है। ये एक तरलीय मंडल है। ठीक है, क्या पाया जाता है? दुर्बलता मंडल 400 किलोमीटर के रेंज में क्या पाया जाता है? दुर्बलता मंडल। ठीक है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है। ठीक है, और अब देखिए स्थल मंडल की बात आती है। स्थल मंडल आपका भूपरपटी और दुर्बलता मंडल, यानी भूपरपटी 5 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच। कितने? 5 से 200 किलोमीटर के बीच क्या होता है आपका? स्थल मंडल होता है। क्या होता है? ठीक है, 5 यानी भूपरपटी के 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच। ठीक है, यानी मैं इसका दुर्बलता मंडल का कुछ भाग और आपके भूपरपटी का कुछ भाग मिलकर के क्या बनता है? 5 से 200 किलोमीटर के बीच का जो रेंज होता है वो स्थल मंडल होता है। 5 से 200 ही रेंज। ठीक है ना सर, तो आप बता रहे थे कि दुर्बलता मंडल 10 से 200 किलोमीटर के अंदर, दुर्बलता मंडल होता है 10 से 200 किलोमीटर के बीच, लेकिन जो स्थल मंडल होता है वो 5 से 200 किलोमीटर के बीच होता है। ठीक है, दुर्बलता मंडल जो है आपका कहाँ से है? दुर्बलता मंडल 10 से 200 ही बताया हमने, बताया था कि मेंटल की ऊपरी परत जो होती है 400 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, 400 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वही दुर्बलता मंडल होता है। ठीक है, और 5 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर इसके जो बीच का क्षेत्र, ये जो आपके बीच का क्षेत्र होगा, ये देखो इधर, ये जो बीच का क्षेत्र है भूपरपटी के और दुर्बलता मंडल के, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? स्थल मंडल। ठीक है, हाँ, ये जो ऊपरी पगड़ी होती है जिसे भूपरपटी बोला जाता है, जो बहुत ही मुलायम होती है टूटने वाली, उसके अंदर 5 किलोमीटर नीचे गहराई से क्या होता है? 5 से 200 किलोमीटर के बीच स्थल मंडल होता है। आप देखिए इसी स्थल मंडल में 5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच, 5 से 25 के बीच क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, या यहीं से जो है क्या होता है? एक ऊर्जा के बीच क्या होती है? एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है? ऊर्जा। इसके ऊर्जा के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, और जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसको हम धरातल पर महसूस करते हैं कंपन के रूप में। ठीक है, अब वो कंपन कई प्रकार के होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ धीमे होते हैं, है ना, कुछ मध्यम होते हैं। ठीक है, तो उसको आगे हम समझेंगे उसके प्रकार, भूकंप के प्रकार के बारे में। ठीक है, इसके पहले भूकंप समझ के क्या होता है? पृथ्वी के स्थल खंड में अचानक उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के कारण जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप कहा जाता है। हमने स्थल मंडल के बारे में जान लिया, ये भी जान लिया कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? 5 किलोमीटर की रेंज में, 5 किलोमीटर की रेंज से, 5 से 25 किलोमीटर की रेंज से कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और जो जिस केंद्र से उत्पन्न होता है उसे मूल केंद्र कहा जाता है। ठीक है, मूल केंद्र या अव केंद्र कहा जाता है। मूल केंद्र या अव केंद्र कहा जाता है। ठीक है, और जहां पर धरातल पर जहां पर पहली बार एक झटका महसूस होता है या तरंगे पहुंचती हैं उसे क्या कहा जाता है? अधि केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधि केंद्र कहा जाता है। ठीक है,
5 से 25 किलोमीटर के बीच जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है भूकंप उसे मूल केंद्र कहा जाता है, और जहां पर जिस धरातल पर जहां पहली बार भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं वहां अध केंद्र उसे अध केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आई बात। अब आगे देखते हैं ये भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन भैया भूकंप विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी ठीक है, भूकंप विज्ञान का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और भूकंप को या भूकंप मापने का जो यंत्र होता है भूकंप मापक यंत्र को हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना होता है वो क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना वो क्या कहलाता है, भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना होता है वो होता है भैया रिक्टर स्केल। क्या होता है, रिक्टर स्केल। ठीक है, इसमें इसकी जो गणना होती है 0 से 10 तक की जाती है। ठीक है, 0 से 10 तक इसमें गणना की जाती है रिक्टर स्केल में, भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना होता है। क्या होता है, रिक्टर स्केल। ठीक है, और भूकंप मापक यंत्र को हम सिस्मोग्राफ नाम से जानते हैं। ये तो क्वेश्चन में बहुत ही डाउटी होती है। ठीक है, ये तीव्रता मापने का जो पैमाना होता है वो रिक्टर होता है, और जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, और भूकंप के अध्ययन को या भूकंप विज्ञान के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, ये तीनों प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब आगे देखते हैं। आपने बताया था कि 5 से 25 किलोमीटर के बीच में भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अच्छा ये जो भूकंप और ज्वालामुखी का हम अध्ययन कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसी के अंतर्गत है भूकंप और ज्वालामुखी आपका। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो यही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से ही करते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत में आपका ज्वालामुखी और अप्रत्यक्ष में भूकंप आता है, ये समझते हैं ना। और अप्रत्यक्ष में क्या क्या आता है, पृथ्वी का ताप दाब तथा घनत्व आता है। क्या आता है, पृथ्वी का ताप दाब तथा घनत्व। ठीक है, इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला जो वीडियो है इसके पहले वाला आपको बताया गया। ठीक है, देखेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को समझेंगे। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, प्लेट शब्द का प्रयोग 1955 में जे टूजो विल्सन ने किया था। किसने किया था, जे टूजो विल्सन ने, किसका, प्लेट शब्द का। ठीक है, तत्पश्चात 1967 ईस्वी में तीन भूगोलविदों ने, कौन कौन से, मैकेंजी पार्कर तथा मार्गन ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने, मैकेंजी पार्कर तथा मार्गन होते हैं। ठीक है, इन्होंने सन 1967 ईस्वी में क्या किया, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया है, इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, अपने पूर्व के विचारों को समन्वित करके या इकट्ठा करके, जो पूर्व के विचार थे उनको इकट्ठा किया और इन्होंने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे आपके भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, अब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत होता क्या है, देखिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में यह बताया गया कि
जो महासागरीय प्लेटें होती है और महाद्वीपीय प्लेटें होती है, स्थलखंड की प्लेटें और महासागरीय या सागरीय प्लेटें होती है, ठीक है, इनमें जो कुछ एक विशेष गतियां होती हैं, ठीक है, उन गतियों का अध्ययन करेंगे। जो महासागरीय प्लेटें होती है भैया या महाद्वीपीय कुछ बड़ी प्लेटें होती है, उनकी संख्या है 7, ठीक है, कितनी संख्या है 7, कितनी संख्या है 7, ठीक है, बड़ी प्लेटों की संख्या। अब उन प्लेटों में क्या होता है, 3 प्रकार की गतियां हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम समझेंगे। प्रथम जो आपकी है, दो प्लेटें, एक महासागरीय एक जो है, मान लीजिए ये आपका महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय है, और ये आपकी कौन सी है, महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, ठीक है। ये दोनों प्लेटें जब एक विशेष गति करती हैं और उस गति में क्या करती हैं, ऊपर नीचे की ओर गति करती हैं या खिसकती हैं, ठीक है, तो एक प्रकार का बल आरोपित यानी बल या ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, और इस गति को हम रूपांतर गति के नाम से जानते हैं। किस गति के नाम से जानते हैं, रूपांतर परिसीमा या रूपांतर गति के नाम से जानते हैं, या गति के नाम से, ठीक है। इस गति से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी ऊर्जा से हम क्या महसूस करते हैं, भूकंप के झटके महसूस करते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, या इससे क्या होता है, भूकंप आते हैं, क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। किस गति से, रूपांतर गति, जब दो प्लेटें आपस में महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं, और उनकी गति से या घर्षण से क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसी ऊर्जा से भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है, समझ में आई बात, डाउट क्लियर। इसके बाद इसमें एक गति और है, एक गति क्या, दो गतियां हैं। सेकेंड है आपकी, जब दो प्लेटें, एक महासागरी एक महाद्वीपीय और एक महासागरी क्या करती है, एक दूसरे के अपोजिट गति करती है, विपरीत गति करती है, ठीक है, या विपरीत मोशन करती है, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उनके बीच में, ठीक है, तो उससे उत्पन्न होता है क्या, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, और इसको कहा जाता है, इस गति को कहा जाता है अपसारी गति। कौन सी गति, अपसारी, ठीक है, और बीच में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा, जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ठीक है, ज्वालामुखी का जन्म होता है, ज्वालामुखी, ठीक, दूसरी गति। तीसरी जो है आपकी गति है, जब प्लेटें क्या करती हैं, एक दूसरे पर खिसक करके और चढ़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है, इस गति को कहा जाता है अभिसारी गति। कौन सी गति कहा जाता है, अभिसारी गति कहा जाता है, और इस गति से क्या होता है, हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण, बलित पर्वतों का, बलित पर्वतों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, बलित पर्वतों का निर्माण, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसके बाद जानेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, भूकंपीय, भूकंपीय तरंगे, ठीक है, अध्ययन करेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो भूकंपीय तरंगों जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पी तरंगे, या जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वेव्स, क्या कहते हैं, हाँ, इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है, प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स, ठीक है। प्राइमरी वेव्स, ठीक है। दूसरा आपका है जो, उसे सेकेंडरी वेव्स से, एस तरंगों के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एस तरंगे या सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। थर्ड जो आपकी है वो है आपकी एल वेव्स, एल तरंगे, क्या है, एल तरंगे या लॉन्ग सरफेस वेव्स, ठीक है, लॉन्ग सरफेस वेव्स या लव वेव्स, लव वेव्स, क्यों लव वेव्स कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज जो है HD लव नामक एक व्यक्ति ने किया था, ठीक है, इन तरंगों की खोज किसने किया था, HD लव नामक एक व्यक्ति व्यक्ति ने क्या की थी, खोज की, ठीक है। अब देखिए जो प्राथमिक तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे क्या करती है, प्राथमिक तरंगों की जो मोशन होती है सर्वाधिक होती है, 4.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है,
ठीक है, कितनी होती है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। इसके बाद जो एस तरंगे हैं, एस तरंगों की जो मोशन होती है, गति होती है, वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और जो लव वेव्स होती है, इनकी जो गति होती है सबसे कम होती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, समझ में आएगा। अब देखिए पी तरंगों के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। पी तरंगे ठोस द्रव या तरल जिसको कहते हैं, ठोस तरल एवं गैस अवस्था में, तरल एवं गैस अवस्था तीनों को पार कर सकती है, तीनों को पार कर सकती है, तीनों को क्या कर सकती है? पार कर सकती है, ठीक है। ठोस तरल तथा गैस तीनों को क्या कर सकती है? पार कर सकती है। और इनकी गति की स्पीड भी तेज हो जाती है, जैसे जैसे नीचे पहुंचेगी ये क्या होगा, या 2900 किलोमीटर की गहराई पर इस पे मेंटल पर पहुंचती है तो इनकी गति और तेज हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हो, 8 से भी ऊपर पहुंच जाती है। इस तरह की क्या करती है, इस तरह के सेकेंडरी वेव्स जो है तरंग में नहीं पहुंच पाती, इसमें तरंग में, तरंग आपका जैसे हमने बताया था ये वाला भाग आपका आंतरिक कोट और बाहर कोट, में बाहर कोट क्या होता है, तरंग होता है, ठीक है, तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में थोड़ा नहीं पहुंच पाती है, सेकेंडरी वेव्स नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। यह तरंगे लॉन्ग सर्फेस वेव्स, ये केवल सतह तक ही सीमित रहती है, ठीक है, और ये लंबी दूरी का तय करती है और पूरा काम पहुंच जाती है मूल केंद्र में, अवकेंद्र में पहुंच जाती है लंबी दूरी तय करने के बाद। इनकी गति क्या होती है? सबसे कम होती है, यानी इनकी जो स्पीड होती है वो 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और इन्हें सबसे विनाशकारी, होती तो सबसे कम है लेकिन इसे सबसे विनाशकारी क्या कहा जाता है, सबसे विनाशकारी तरंगे होती है, सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। कौन? एल तरंगें होती है, ठीक है, समझ में आई बात। एल तरंगों के बारे में जान लिया, एस बी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसे पूछा जाता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। तो उद्गम केंद्र से जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, उद्गम केंद्र से इसकी दूरी होती है भूकंप छाया क्षेत्र की 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच, क्या होती है, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंच पाती हैं, इसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का, ठीक है, समझ में बात। इसे क्या कहा जाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र। क्या कहा जाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भूकंप के बारे में जानेंगे कि भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ आता है, ठीक है, भूकंप सबसे ज्यादा भैया कहाँ आता है, देखिए थोड़ा सा इधर समझने का प्रयास करेंगे। स्पेस है, प्रशांत महासागर है, मान लीजिए प्रशांत महासागर है, एक तरफ इसके का है एशिया महाद्वीप है या एशियन प्लेट है, और दूसरी तरफ नीचे है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, और इधर आपका उत्तरी अमेरिकन, और इधर है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ठीक है, और इसी के जिले में चारों महाद्वीप के बीच में है महासागरीय प्लेट। क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है, समझ में आएगा। तो चार तरफ से प्लेटों से घिरा है, स्त्री प्लेटों से महासागरीय प्लेट, ठीक है, तो एक वलय के आकार की स्थिति हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, एक रिंग के आकार की स्थिति हो जाती है, इसे रिंग ऑफ वलय भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, आग का गोला, ठीक है, क्या कहा जाता है? आग का गोला या रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, अभी आगे ज्वालामुखी बताएंगे, ठीक है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आसपास यहाँ पर इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा है, ठीक है, क्या क्या है? इंडोनेशिया, जावा द्वीप और सुमात्रा, ठीक है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा सबसे ज्यादा भूकंपपीड़ित क्षेत्र है, विश्व में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा सबसे ज्यादा भूकंपपीड़ित क्षेत्र है, क्योंकि ये चार तरफ से प्रशांत महासागर स्थित प्लेटों से घिरा हुआ है और सबसे ज्यादा यहाँ पर भूकंप आते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा, नोट कर लीजिए इसको।
नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब चलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, अब समझेंगे ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, किसे कहते हैं? ठीक है, ज्वालामुखी क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा सारे बताए, ज्वालामुखी क्या होता है, किसे कहते हैं, तुम बताओ, असली का तुम ज्वालामुखी किस स्थान पे स्थित वह प्राकृतिक क्षेत्र है जिसके माध्यम से गैसें, धुआं, जल वाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, क्या होता है, किसी स्थान पर स्थित एक प्राकृतिक क्षेत्र, क्या कह सकते हैं, एक जो है प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र है जिससे क्या निकलता है, जिससे निकलता है हानिकारक गैस, हानिकारक कैसे निकलती, कई सारी कैसे निकलती है। ठीक है, और क्या निकलती है, धूल निकलता है, धुआं निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता है, है? धूल और धुआं निकलता है, धूल निकलता है, धुआं निकलता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लावा है, क्या है, लावा है। ठीक है, इतनी सारी चीजें प्राकृतिक क्षेत्र है जिससे क्या निकलता है, जिससे निकलता है हानिकारक कैसे, धूल निकलती है, धुआं निकलता है तथा लावा निकलता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, ठीक, अब देखिए ज्वालामुखी की जो आकृति है आपकी वो कुछ इस आकार की है। ठीक है, यह आपका क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आई बात, इसके अंदर जो है आपका उसे मैग्मा नाम दिया गया है, मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मैग्मा। ठीक, यह आपका क्या है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके अंदर जो तरलीय मैग्मा होता है, ठीक है, ये जब क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, तरलीय मैग्मा जब क्या होता है, बाहर आता है और आकर के धरती में फैल जाता है, फिर जब ठंडा होता है, जब आता है, गिरता है धरती में, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लावा। और जब ये ठंडा हो जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है तो उस चट्टान को आग्नेय शैल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आग्नेय शैल। ठीक, ठीक है, आप देखिए जब यहाँ से धुआं निकलता है, आग निकलती है, ठीक है, उसके साथ में कुछ गैसें भी निकलती हैं हानिकारक। ठीक है, जो सबसे हानिकारक गैस होती है वो होती है जल वाष्प, क्या होती है, जल वाष्प। इसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, CO2 भी निकलती है और भी कई सारी गैसें हानिकारक। ठीक है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है जल वाष्प, सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और CO2। ठीक है, देखिए इसमें से एक चीज और है, ये जो मुख है जहाँ से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी या जहाँ से आपका मैग्मा, तरल मैग्मा बाहर आता है लावे के रूप में, उस मुख को विवर या क्रेटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विवर कहा जाता है या क्रेटर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ जाएगा, ये है महत्वपूर्ण बातें। अब आगे देखेंगे कि ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के। ठीक है, ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के हैं ये बताएंगे अश्लेखा। ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार बताएंगे, ज्वालामुखी के प्रकार, कल की क्लास में बताया था ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, होते तीन हैं, अब आपको बताना है कि कौन कौन से होते हैं, शांत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। पहला होता है शांत ज्वालामुखी, सुषुप्त को प्रसुप्त भी बोला जाता है शायद, हैं, शांत ज्वालामुखी, इसी को मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है, शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, और दूसरा जो है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है, या इसी को और क्या कहा जाता है, प्रसुप्त भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त या प्रसुप्त कहा जाता है, सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, पहला है आपका शांत या मृत ज्वालामुखी, इसी को सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, हाँ, जागृत ज्वालामुखी, जो कि हमेशा उज्जारित होता है। ठीक है, जागृत ज्वाला, ये तीन आपके ज्वालामुखी है। ठीक है, पहला है आपका शांत या मृत ज्वालामुखी, दूसरा है सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है आपका जागृत। ठीक है, आप देखिए, आप देखेंगे कि ज्वालामुखियों
का जो मुख्य केंद्र है, जहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर है? ठीक है, तो देखिए भैया, एक आपकी है प्रशांत महासागरीय प्लेट। क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, इसके एक तरफ आपका क्या है, एक तरफ है एशियन प्लेट, एशियन प्लेट। दूसरी, इसके नीचे आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, और एक साइड इसका है उत्तरी अमेरिकन है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन। ठीक है, इन चार महाद्वीपीय प्लेटों से एक महासागरीय प्लेट, कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, इन चार प्लेटों से एक महासागरीय प्लेट खड़ी हुई। ठीक, कौन कौन सी चार स्थलीय प्लेटों से महाद्वीपीय प्लेट है? एशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट से एक महासागरीय प्लेट खड़ी हुई। तो ये जो आकृति है वलय की आकार या गोले की आकार की, ठीक है, या जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें एक वलय की आकार दिखाई देता है। ठीक है, और इस वलय में या सब जगह क्या है? ज्वालामुखी। क्या है? जो हमेशा जागृत ज्वालामुखी है, जो हमेशा जो है प्रकाशमान होते रहते हैं। और लगभग कितने ज्वालामुखी हैं? तो उनकी संख्या है भैया 450। कितनी है? 450। अब टोटल ज्वालामुखी अगर बात की जाए विश्व में तो है 500। ठीक है, और 500 में 450 तो यहीं पर है, यानी 450 अगर देखा जाए तो 75% है सकल जो है, कितने ज्वालामुखी है, सारे ज्वालामुखियों का 75% जो ज्वालामुखी है वो आपके कहाँ पर है? प्रशांत महासागरीय प्लेट पर। ठीक है, इर्द गिर्द, या इसी को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा। ठीक है, जापान, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा सबसे ज्यादा, या ऑस्ट्रेलिया के आसपास ऊपर है आपका इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा। ठीक है, इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा। ठीक है, इंडोनेशिया में जो है, इंडोनेशिया में कल हम बताए थे कि कितने आपके वो है 121। ठीक है, सर्वाधिक ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, सबसे प्रभावित है भूकंप और ज्वालामुखी से इंडोनेशिया। ठीक है, जावा और सुमात्रा भी। ठीक है, ये आपके सबसे ज्यादा प्रभावित है भूकंप से, त्रस्त है, क्योंकि यह किसके घेरे में आते हैं? रिंग ऑफ फायर के घेरे में आते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो 121 जो है आपके ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। यदि अगर देखा जाए तो विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। यदि आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति है प्लिनी द यंगर। ठीक है, प्लिनी, प्लिनी द यंगर। ठीक है, प्लिनी द यंगर, जिन्हें ज्वालामुखियों की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है। क्या माना जाता है? ज्वालामुखियों की, ज्वालामुखियों की खोज करने वाला, की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है, खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है, कौन है? प्लिनी द यंगर। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम ज्वालामुखियों की खोज की थी, प्लिनी द यंगर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो ज्वालामुखी, हमने बताया कि शांत ज्वालामुखी जो होते हैं, शांत ज्वालामुखी या शुद्ध ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है, वो कभी भी उद्गारित नहीं होते हैं, उद्गारित अवस्था में नहीं होते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे कि आपका अफ्रीका का किलिमंजारो है। ठीक है, अफ्रीका का जो किलिमंजारो है, इसमें जो आपका बीच में एक खड्डा होता है ना, ऐसे करके तो बीच वाला भाग उसमें क्या भरा हुआ है? पानी, और एक झील का निर्माण कर जाता है, झील के रूप में कार्य में लाया जाता है। ठीक है, समझ गए बात? जैसे कि अफ्रीका का किलिमंजारो है। ठीक है, एक है आपका चिम्बाराजो जो कि इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर में है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। अभी आप इक्वाडोर में एक और पढ़ेंगे नीचे, कोटापैक्सी, कोटापैक्सी जो ज्वालामुखी है वो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी जो है अमेरिका में है इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर में एक सक्रिय भी है जिसे कोटापैक्सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक आपका शांत है जिसे चिम्बाराजो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये शांत ज्वालामुखी है जो कभी भी उद्गारित अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, एक आपका म्यांमार, या म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी। ठीक है,
क्या है, कोपा, कोपा नाम से है, म्यांमार देश में जो सांत ज्वालामुखी, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे प्रसुप्त है सुसुप्त ज्वालामुखी, जो कभी कभी जो है सक्रिय अवस्था में हो जाते हैं, रहते तो शांत है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कब उद्गारित होने लगे, ठीक है, इन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे कि विसुवियस ज्वालामुखी, विसुवियस कहाँ है कोई बता सकता है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है, फ्यूजियामा कहाँ है, फ्यूजियामा जापान में, कहाँ है, जापान देश में, ठीक है, फ्यूजियामा जापान में है। और विसुवियस कहाँ है, विसुवियस बताइए, विसुवियस कहाँ है, इटली में है, कहाँ है, इटली में है, विसुवियस तो है इटली में है। और काक्रातौ जो है इंडोनेशिया में है, कहाँ है, इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है भैया, ठीक है। काक्रातौ जो है आपका यह इंडोनेशिया में है। और नारकोंडम जो ज्वालामुखी है अपने ही देश का है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कोई बता सकता है, अपने ही देश में है नारकोंडम ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार में कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप में है, ठीक है, नारकोंडम ज्वालामुखी। बायरन भी है, बायरन सुसुप्त नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। बायरन जो है एकमात्र ज्वालामुखी है दक्षिण एशिया का या भारत का कह सकते हैं, ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का, दक्षिण एशिया कह सकते हैं या भारत का, या भारत का, भारत का भी है और दक्षिण एशिया का भी, संपूर्ण दक्षिण एशिया का जो है सबसे जो है एकमात्र कह सकते हैं, एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में, कहाँ है, अंडमान निकोबार के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी भाग में, ठीक है, बैरन ज्वालामुखी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी। और नारकोंडम जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, काई उद्गारित अवस्था में नहीं है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, समझ में आई बात। तो दो आपके हैं भारत में, कौन कौन से, बैरन तथा नारकोंडम, ठीक है, बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम आपका क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। इसके बाद देखिए सक्रिय ज्वालामुखी में देखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी में हमने पढ़ा इटली का स्ट्रांबोली, ठीक है, इटली का स्ट्रांबोली, इटली के कब्जे में एक हमने बताया था द्वीप, कौन सा द्वीप है, सिसिली द्वीप, कौन सा द्वीप है, सिसिली द्वीप, सिसिली के पास एक और द्वीप है, कौन सा द्वीप है, सर बताया था, कौन सा द्वीप है, जल्दी बताइए, कल क्या बताया गया था, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, लिबारी, लिबारी, लिबारी है बताया था, नहीं लिबारी है, लिबरी भी निकल के आते हैं, लिबरी, ठीक है, लिबरी है, क्या है, लिबरी द्वीप, लिबरी द्वीप, वहीं पर है आपका कौन, स्ट्रांबोली ज्वालामुखी, क्या है, स्ट्रांबोली ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। इसे जो है प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है भूमध्य सागर का, किस कहाँ का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है, हमेशा उद्गारित होता रहता है और पूरे भूमध्य सागर में प्रकाश फैलाता रहता है, इसे भूमध्य सागर का प्रसादी प्रश्न आ जाए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो कहा लिखेंगे भैया, कहा लिखेंगे, इटली का जो एक ज्वालामुखी है स्ट्रांबोली, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। अगला आपका है भुनालोवा, जो कि हवाई द्वीप में है, कहाँ है, भुनालोवा हवाई द्वीप में है। और माउंट कैमरून कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका जानते हैं ना, हाँ अफ्रीका में है माउंट कैमरून। और कोटापैक्सी इक्वाडोर, जो हमने बताया ना कि एक और है आपका इक्वाडोर में, चिम्बाराजो जो कि शांत ज्वालामुखी है, और कोटापैक्सी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, समझ में आएगा, ये आपका सक्रिय है और ये शांत ज्वालामुखी चिम्बाराजो, ठीक है, याद रखिएगा। और एक आपका पढ़ लेंगे ओजोस डेल स्लेडो, जो कि अर्जेंटीना में, कहाँ पर है, ओजोस डेल स्लेडो, जो आपका अर्जेंटीना में है, ठीक है। और भारत का आपने जान लिया कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी है। और एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी जो दूसरा है उसे हम नारकोंडम के नाम से जानते हैं, ये दोनों कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है, समझ में आई बात है। रिंगा फलय के बारे में आपने जान ही लिया है कि रिंगा फायर किसे कहा जाता है, ये प्रशांत महासागर प्लेट है, प्रशांत महासागर के प्लेट में चारों तरफ जो है 450 बरी क्या है, जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो हमेशा उद्गारित रहते हैं और अंतरिक्ष में एक वलय की आकृति का दिखाई देता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ वलय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी 121 ज्वालामुखी हमने बताया था, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया जावा और सुमात्रा सबसे ज्यादा खंडित है भूकंप और
ज्वालामुखी से, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं से समाप्त होती है। आशा करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि हमारी बातें समझ में आई हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करिएगा। धन्यवाद।